और हम गाइस प्लान बना रहे हैं ब्रिटेन एंड विजिट करने का। गाइस ये देखें कॉल लॉज पर, गाइस ये देखें मेरे खच्चर मेकअप के मदारियों के बाल बारीक थे जल्दी। गाइस आपको पता है लिशा डट्टी है, लिशा को ठुड्डा लगा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए मैंने शीशा बहुत ले लिया है, बिलाल भी साफ रेस्टिंग कर रहे हैं आज ज़रा डीप सी करके, इस वजह से मैंने शीशा उतार के यहाँ पर रख दिया अपने गोद में, और मैं यहाँ पर इसने अपने सीट बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी गाइस आपको अभी अपडेट देते हैं, मैं एकदम शीशा लगा रहा हूँ। रत्ती लाल हो गई। ये बिलाल कैसी लग रही है? और गाइस एक और बात, ये देखिए इसकी नाक भी जीजे और मेकअप का किया है। नहीं नहीं मेरी नोज में जीजे भी है, जीजे है। गाइस इस बात को जरा आप प्रवेश कीजिएगा कहां के ये पता लगे आप तुम्हें कि कमेंट्स में बताना है कि ये देखिए इसकी नाक ऊपर उठाई है, इतने इतने बड़े हुए बेर जितने। नहीं गाइस इस वीडियो का आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये देखे लिशा फोत हो गई है सोफे के ऊपर ही, सुबह 11 बजे उठी है तो फिर भी सुते भी आए ना, बेहोश आत्मा। गज ये देखें कौन लाश पड़ी हुई है, देखो ना के है सारे सुते पे मोए हुए हो। सो गाइस आई जस्ट ऑफर्ड माय मगरिब प्रेयर्स, और अभी बिलाल को मैंने दुकान पे भेजा है कुछ थोड़ी सी स्नैकिंग लेने, क्योंकि शाम का टाइम स्नैकिंग बहुत दिल करता है, आज शाम से जरा लेट हो गए। और हम गाइस प्लान बना रहे हैं विंटरलैंड विजिट करने का। विंटरलैंड जो कि आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, उनकी एडवर्टाइजिंग एक नंबर थी, पूरे लाहौर में एक दफा तहलका मचा दिया। और हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बैरिया बिल्कुल पैक जैम्ड है, हम जब भी जाते हैं बैरिया की जो एंट्रेंस है वहां तक रश होता है, इतनी ज्यादा गाड़ियां, इतना ज्यादा रश। रेल पे आता है वो बताते हैं कि रात तक इतना ज्यादा रश होता है, इससे फिर फायदा को नहीं कहते जाएंगे तो बंदे तो बंदा छोड़ जाए, फिर फायदा की हम जाएंगे जब थोड़ा सा सुकून हो जाएगा इसे हफ्ते डेढ़ तक, तो मेरे से सुकून तो होगा नहीं। नई नई चीज़ें तो होंगे लाहौर वाले, तो वैसे ही ना नई चीज़ होते बस पहले तो एकदम सही उसको हाइक पर लेके जाएंगे, ये तो बस सारे राज लैंड फिर ऐसी वहाँ पर ला के तुम कहती हो हमने जाना है बैरिया टाउन, तो देखो ना यहाँ पर कितना रश है आज से। आज देखे इसने मुझे आके अभी गाड़ी में कुछ खबरें दी है क्या मेरी, इतने खत्म पेपर कैंसिल आउट, और अब हम कल उन्हीं भाई उस जगह पे जाएंगे। नहीं पेपर क्यों कैंसिल हो गए, कोई वजह को गर्मियों के मुताबिक इतनी तो गर्मियाँ जाएंगे नहीं। चलो जी शुक्र है ना, गाइस देखे लीश और बच्चा चलेंगे। अच्छा चलते हैं फिलहाल, तुम जाओ ना। ये सैन के कपड़े दे, वाह सैन ने फातिमा के कपड़े पहन लिए गाइस। हाँ। और ये देखो कितना प्यारा है, देवी की बाइक की चाबी नहीं मिली, बच्चों ने घुमा लिया, और देखे इससे सख्त परेशानी बन गया जेब के लिए। देखे गाइस देखे फतेह ने चाबियाँ छुपाई हुई थी, हमने उससे पूछा चाबियाँ कहाँ, मैंने उससे कहा चाबियाँ दो फिर जेबी आपको ले जाएगा, और उसने हमें अलमारी में ले गया, और हमने अलमारी को सामने चाबियाँ पड़ी थी अलमारी में छुपा दी थी। और देखे कितने तेज हैं आजकल के बच्चे, होशियार हो गए। तब उसने जेबी को कहा मुझे चूल्हा दो, मैंने तुम्हें चाबियाँ दी आप तो मुझे चूल्हा दो, जेबी उसको लेके जा रहा है। कैसे बच्चे हैं आजकल के, कैसे मामू मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अभी मैंने वो कीज वो मैंने बोला वो है बाइक की आपकी कीज पर वो नहीं थी, और ये तब से हूँ। देखे गाइस हमने बच्चों को बिल्ली लगा दिया है, बड़े भी छोटे छोटे बिल्ली लग चुके हैं, और अलीशा भी बस अपने ना सोने की तैयारी में हूँ कि बस बच्चों का दूध रखने आ और फिर सॉरी। ओके गाइस आपको एक मैं अपडेट भी दूँ कि ना सुबह जब मैं उठा ना आज नमाज के लिए, तो मैं ना जिस गुजरा तो अलीशा के पास थे ना, तो गाइस अलीशा ख्वाब में इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी, बोर बोल के अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ बना दी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये ख्वाब में बोल रही थी। पता तो ख्वाब बोलती है कितना बड़ा, मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही है। देखें गाइस ये ख्वाब में पता नहीं क्या, जो ख्वाब में बंदे बोलते हैं ना अक्सर वो कोई सीक्रेट नहीं रख सकते, जो भी सीक्रेट है वो ख्वाब में बोल देते हैं, और मैं थोड़ा सा दुखे आती हैं तीसरी ग्रेनिंग।
गाइस आपको पता है अलीशा डर ठीक है, अलीशा को ठुड्डा लगा है जिस वजह से अलीशा की अंगलियां सूज गई हैं। हाँ ये देखिए मेरी कुछ इतनी दर्द हो रही है, मुझसे चलने भी नहीं हो रहा। ये देखिए मेरा पांव सूज गया, ये वाली। ओह माय गॉड, कितना ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हो गया गाइज। अलीशा का पहले मुँह सूज है और आप देखिए ना इसके अंगलियाँ सूज गई हैं। गाइज मैं इसको कह रहा हूँ तुम मेरे से अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करा लो, मैं तुम्हें डाई लगाता हूँ और तुम्हें स्ट्रेटनिंग कर दूँगा, तुम्हारी कटिंग कर दूँगा, लेकिन गाइज ये नहीं मान रही। गाइज इसकी जिनके पास पहले काम करती थी तो उन्होंने ऐसा किया एक बार से नाई को बुला के ऐसे ही किसी चलते फिरते को बूढ़ा था साहब बेचारा, तो उसने इसके बाल जैसे उसको आए काट दिए और कहती मेरे इतने लंबे बाल थे उसने काट दिए और अब इसके बाहर से डिंगे चिपे हैं और इंशाल्लाह अब कल या दो दिन तक ना इसकी मैं कटिंग भी कर दूँगा और इसकी स्ट्रेटनिंग भी कर दूँगा। गाइस रात का एक बज चुका है लेकिन इन्होंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, कैसे लोग हैं ना ये इतने हालात। देखिए गाइस मौसम अजीब से हो चुका है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, अल्लाह करे हो ही जाए क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही गाइस, तो इतने में थोड़ा सा ना ब्रस्त ब्रस्त सा मौसम आया हुआ गाइस। मैंने फांसी के फंदे पर लटका के अपने हेडफोन भी चार्जिंग पर लगा लिए। गाइस देखा आज हमने इतनी मनुष्य में चेहरे के सारे दिन सो रहे, इस वजह से आज लोग जो था ना ज़्यादातर सुस्ती भर रहा, मुझे तो बहुत ज़रूर लगता है दिन को सोना। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपको कुछ नहीं जाएगा मेरा बहुत कुछ आ जाएगा।